राधे राधे आप सभी को। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और वेलकम टू माय चैनल लाइफस्टाइल भावना में। तो लाइफस्टाइल क्या, आजकल तो भाई ऐसी चल रही है लाइफ, कुछ भी करने को नहीं है। पर मौसम थोड़ा इस वक्त ख़राब था, पर अभी तो फ़िलहाल मौसम अच्छा चल रहा है क्योंकि भाई बारिश हो रही है और ठंडा ठंडा मौसम है। तो ये मैं गई थी बाहर कुछ काम से गई थी मैं, ये सुबह का 11 या 12 बज रहे होंगे। सुबह नहीं थी ये, थोड़ा दोपहर वाला हो गया है। पर 11-12 बजे करीब मैं बाहर गई टेलर के पास, कुछ ऐसे काम था। और उसके अभी मैं घर आ रही थी, तो कुछ क्लिप्स इसलिए मैंने की थी ना, क्योंकि पता है हम लोग स्कूल जाते थे तो कितना अच्छा लगता था ना यार, वो दिन याद आते हैं। पर जब स्कूल में होते हैं तो परेशान होते हैं यार, स्कूल जाना पड़ेगा, काम करना पड़ता है, ये वो। और जब निकल जाते हैं तो वो स्कूल की लाइफ याद आती है। किस किस का सा लगता है बताना मुझे, पर यार मिस तो सब करते होंगे, चाहे अच्छा चाहे बुरा। उसके मैं घर आई, गर्मी बहुत थी। मैंने कहा चलो यार मौसम अच्छा है फिर भी कोई बात नहीं, अंदर तो गर्मी है, एसी चलाया, बैठी, हाथ मुंह धोया। फिर मैंने कहा भाई कुछ कपड़े थे, मैंने कहा मन नहीं लग रहा, कुछ काम ही नहीं होता मेरे पास, तो मैंने कहा भाई चलो ये सिलाई कर लेते हैं। तो मैंने थोड़े बहुत कपड़े थे वो, मैंने कहा बैठे बैठे मैं सिल दूँ। कपड़े थे क्या मतलब, सलवार सूट ये सब जो है वो सिल रही थी मैं। तो मैंने कहा भाई चलो इसे टाइम पास भी हो जाएगा, कुछ काम भी हो जाएगा, तो वही मैं कर रही थी। तो आप लोग ये बताना कि आजकल जो दिन है ना अजीब से ही हो रहे हैं, मतलब इसमें ना सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा नींद आती है, आँखें नहीं खुलती है, और दिन में नींद ही नहीं आती है। ये मेरे साथ ही ऐसा होता है, सबके साथ हो रहा है पता नहीं क्यों। और ये जो मैं सिलाई कर रही हूँ ना, ये मशीन भाई सबको हो गया आजकल की नई नई टेक्नीशियन वाली आ रही है मशीन, तो आप लोग ये यूज़ क्यों कर रही हो? ये भाई बहुत पुरानी, कम से कम 20-22 साल पुरानी है। मेरी दीदी की है ये मशीन, दीदी को दिया था दहेज में, और दीदी ने सीखा था भाई, इसलिए तो उसको दहेज में मिल गया। मैंने नहीं सीखा तो मुझे नहीं मिला, तो मैं उसको उठा लाई। और उसके दोपहर हो रही पता, थी, मैंने ये दोपहर का खाना खाया, उसके बाद में भाई मैं का थोड़ा सा सो जाऊँ पता, क्योंकि मैं मशीन चलाती ना तो मेरे गर्दन में पीड़न हो जाता है इस वजह से। और उसके बाद फिर पता है मैं उठी, ये उठने के बाद मुझे फिर भूख लग गई। पता नहीं क्यों इतनी मुझे भूख लगती है, पर थोड़ा थोड़ा खाती हूँ मैं। और कुछ लोग होते हैं ना इकट्ठे 4-5 रोटी खा ली, मुझसे नहीं होता है, मुझे थोड़ा थोड़ा खा पाती हूँ। और फिर मैंने शाम हुई तो मैंने कुछ बनाते हैं, तो वही चावल रखा हुआ था भाई, मैंने कहा कुछ बनाते हैं, तो यही मैंने बनाया। चना रखा था भिगो के, तो उसको भी थोड़ा सा कर दिया। 2-3 चीज़ें मैंने, कुछ चाय के संग ना कंपल्सरी है, कुछ ना कुछ तो चाहिए मुझे भाई, चाहे वो बिस्किट ही क्यों ना हो। तो ये जब रहता है तो वह खाती, पर खाली पेट चाय मैं पी भी नहीं पाती। शाम हो गई, फिर मैंने कहा चलो अब ये पूजा करने का समय हो गया है। तो मेरा एग्जैक्ट टाइम मैं फ़ोन में देखती हूँ कि जब सूर्य अस्त कब होता है, उसी के 2 मिनट में 4 मिनट में मैं पूजा कर लेती हूँ। और जिस दिन नहीं कर पाई उस दिन तो भाई मजबूरी होती है, कुछ काम होगा इसीलिए। तो मैंने पूजा करी, मैंने कहा पूजा करते हैं उसके। और ये मेरा मेरा ये रूटीन है रोज़ का, मैं पूजा करती हूँ शाम के टाइम। और भाई ये मौसम गजब अच्छा हो रहा था, मैं बाहर गई दिया रखने के लिए। मैं बाहर दिया इसलिए रखती हूँ क्योंकि घर में ना थोड़ा काला काला सा हो जाता है, और बाहर तुलसी माता के लिए मैं रख देती हूँ। उसके बाद मैं आई, फिर शाम का मैंने फिर ये खाना तैयार करना शुरू कर दिया। मैंने कहा सत्तू के पराठे बनाते हैं आज, तो वही सत्तू का मैंने ये सत्तू, आप लोग समझ रहे होंगे ये यूपी बिहार वाले समझ सकते हैं, पर औरों के लिए मैं बता दूँ, ये जो चना होता है ना वो पीला पीला सा जो भूज देते हैं, तो चने का पीस करके सत्तू बन जाता है। तो उसमें मैंने प्याज, नमक, नींबू, नींबू नहीं था तो मैंने आमचूर डाल दिया था मेरे पास, अचार का मसाला, नमक कमक ये सब डाल के मैंने उसका ये बनाया सत्तू का पराठा। फिर ये हरी मिर्च रखी थी, तो मैंने कहा भाई हरी मिर्च के साथ करते हैं कुछ। तो फिर ये मैंने वो मोटी वाली हरी मिर्च है, आप लोग को दिख रहा भी होगा, पतली वाली तो खा ही नहीं पाएंगे हम इसीलिए। तो ये मैंने इसमें आमचूर, नमक और थोड़ा सा हल्का वाला लाल पाउडर, जो लाल मिर्च का पाउडर होता है, वो करके मैंने बनाया। आप लोग भी बना सकते हैं इसको, तो सबको आता होगा। और मैंने जो सत्तू के पराठे बनाया वो भाई बारिश के मौसम में हमारे यहाँ खाते हैं और हमको बहुत अच्छा लगता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर चैनल को कर देना। थैंक यू सो मच।